हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अमाइंस। अमाइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। मैंने आपको पूरा ढंग से समझाया था कि रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको बताया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी आपके डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, आपसे हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिस्टिंग्विश टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मे बी आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो अगर आपने जिसने भी देखा होगा उसने आप मैंने आपको बताया है कि डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें भी मैं आपको यही समझाऊंगी कि डिस्टिंग्विश में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। और जी हाँ, प्रीवियस वीडियो जो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड और कार्बेल अमाइन रिएक्शन जो है, इससे लिंक करके थोड़ा हम लोग पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं। पहली लाइन क्या लिखी है? पहली लाइन लिखी है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखिए, पहली लाइन ने ही आपको बता दिया है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। देखिए, वीडियो पॉज करिए और हिंसबर्ग रिएजेंट को रिवाइज करिए। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? हिंसबर्ग रिएजेंट इज C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। ओके, आगे क्या लिखा है देखिए। विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखिए, फिर से मेन लाइन आपकी आ गई कि ये जो टेस्ट है बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपका यूज़ होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए, पहले हम लोग वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कार्बेल अमाइन रिएक्शन। ओके, सभी लोगों ने पढ़ी होगी, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो हमें ये चीज़ पता कि जो कार्बेल अमाइन रिएक्शन होती हैं वो 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन नहीं देते हैं। ओके, जब आप अगर कार्बेल अमाइन रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों में क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ओके, तो कौन देते हैं कार्बेल अमाइन रिएक्शन? कार्बेल अमाइन रिएक्शन देते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन देते हैं। 1 डिग्री अमाइन में भी कौन कौन से? आपकी एलिफेटिक और एरोमेटिक, दैट इज व्हाट, एन क्यूपल लोन पेयर CH3 H, ये आपका कार्बेल अमाइन रिएक्शन देता है। ओके, और एरोमेटिक एनिलीन भी देता है। व्हाट इज इट? इट इज लाइक एनिलीन, एरोमेटिक है, ये भी आपके कार्बेल अमाइन रिएक्शन देता है। ओके, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि कोई, जैसे क्वेश्चन अगर इस पर आएगा तो कैसे आएगा, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको मान लीजिए एक आपको दे दिया 1 डिग्री अमीन और दूसरा दे दिया 2 डिग्री अमीन, तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे? आप लगा दोगे कार्बेल अमाइन टेस्ट। लेकिन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में क्या मैंने आपको पढ़ाया था? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में आप लोग किसको डिस्टिंग्विश करते हो? इन्हीं दोनों को तो डिस्टिंग्विश करते हो। देखिए, दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये भी कैसा? 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री अमाइन को ये डिस्टिंग्विश करता है। आप सभी को याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिए, जो कार्बेल अमाइन रिएक्शंस है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री कभी भी नहीं देते हैं। पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट कि जो कार्बेल अमाइन रिएक्शंस हैं वो 2 डिग्री और 3 डिग्री कभी नहीं देते। हमेशा कौन से अमाइंस देते हैं? 1 डिग्री एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी आपका देता है। और क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसा आएगा? आपको 1 डिग्री दे देगा, 2 डिग्री दे देगा, एक 1 डिग्री एलिफैटिक दे देगा और 2 डिग्री अमाइन दे देगा, तो आप कौन सा टेस्ट बता दोगे? कार्बेल अमाइन टेस्ट। वेरी गुड। तो अब आगे क्या था? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में हम लोग किसको डिस्टिंग्विश करते हैं? 1 डिग्री एलिफैटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे आपको हिंसबर्ग टेस्ट को समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, याद रखिएगा, हम लोग क्या करते थे? हम लोग 1 डिग्री अमीन लेते थे, एच एन के ऊपर डबल बॉन्ड, सॉरी एन के ऊपर लोन पेयर CH3 एच।
अगर आप जब इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते थे, नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते तो आपको क्या मिलता था? प्राइमरी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, याद है सभी को, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता था। और ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ क्या मिलती थी? NO2 मिलती थी। सभी को याद आया? आई होप आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो समझ लीजिए। जब भी आप 1 डिग्री एलिफैटिक, याद रखिए एलिफैटिक वर्ड इज हेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कभी कभी नहीं यूज़ करते लेकिन एलिफैटिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिफैटिक को जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल और NO2। और फिर देखिए जब एरोमेटिक यानी दैट इज़ आप जब एनिलीन की रिएक्शन कराते हो, NH2 की रिएक्शन कराते हो किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है डायजोनियन सॉल्ट। सभी को याद है, मैंने आपको बताया था इसके, अब जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? डायजोनियम सॉल्ट, और NO2 जो है वो नहीं मिलती है। तो ये था भाई दोनों वीडियो का रिकैप। तो याद रखिएगा कार्बेलामाइन रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते, सिर्फ 1 डिग्री देते हैं, ओके। और रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड काहे के लिए यूज़ किया जाता है? इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब जैसे कार्बेलामाइन रिएक्शंस में क्या क्या लिखा है ध्यान से पढ़ते जाइएगा, साथ साथ रिवाइज भी होता जाएगा। और आपको देखिए कंपाउंड्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट जैसे मैं रिएक्शन बता रही हूँ आप वैसे वैसे समझते जाइए क्या लिखा है। प्राइमरी, सॉरी 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन में क्या होता है, देखिए क्या लिखा है। प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच बींग एसिडिक डिजॉल्व ऑन द एडिशन ऑफ बेस। वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइन लिखी है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है जब भी आप 1 डिग्री अमीन को बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड, देखिए कुछ नहीं करना आपको, इसका Cl लेना है, ऐसे कंपाउंड लिखिए कि Cl यहाँ और H यहाँ, इसका HCl निकाल दीजिए, राइट, यहाँ प्लस HCl, देखिए माइनस यहाँ मैंने लिखा भी है, HCl निकाल दीजिए। और कंपाउंड का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नाम है आप कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या करना है। बाकी जो बचा है N को S से ज्वाइन कर दीजिए और एज इट इज़ लिख दीजिए। कुछ भी सिंपल, वेरी सिंपल है, कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाउंड्स को याद मत रखिएगा, ओके। आपने क्या किया, 1 डिग्री अमीन लिया, उसको क्या किया, मिक्स किया बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड दैट इज़ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो आपको क्या मिला, एक एसिडिक कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड मिला। व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला, जो कि क्या होता है, एसिडिक होता है। जब आप इसको बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आपकी किसकी कहानी थी, ये आपकी थी प्राइमरी अमीन की कहानी, कि आप जब भी प्राइमरी अमीन को बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड, मतलब हाँ बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा जो कि एसिडिक होता है, जिसका नाम क्या है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एंड वो एसिडिक होता है। और जब आप उसको बेस में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या देखिए, सेकेंडरी अमीन की कहानी क्या है, सेकेंडरी अमीन की कहानी देखिए, सेकेंडरी अमीन की कहानी है द सेकेंडरी अमीन ऑन रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज़ नॉट एसिडिक हेंस इट प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ बेस, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लिखा है। वही देखिए इस रिएक्शन का भी आपको कंपाउंड याद नहीं रखना है, देखिए क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है NRR, देखिए R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 भी आप ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये तो जनरल में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। H को Cl के साथ आप ऐसे कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए और HCl निकाल दीजिए, और जो भी कंपाउंड है उसको ऐसे लिख दीजिए, उसका नाम क्या है, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब आप सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग टेस्ट से कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है व्हाट इज़ इट, इट इज़ N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, वो बेसिक नहीं हो, सॉरी वो एसिडिक नहीं होता है, ओके, नॉट एस बेसिक, वो एसिडिक नहीं होता है, यहाँ मैंने बेसिक लिख दिया गलती से, वो एसिडिक नहीं होता है। और जब आप उसको बेस के साथ वो करते हो, ऐड करते हो बेस में उसको, तो वो क्या हो जाता है, PPT, एक प्रेसिपिटेट बना के दे देता है आप,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थ्री डिग्री और टर्शरी अमीन की कहानी क्या है। टर्शरी अमीन में क्या होता है, आप जब टर्शरी अमीन को रिएक्ट करोगे बेंजीन सल्फोनल फ्लोराइड से तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एच ही नहीं है जिससे एच सी एल निकल जाए और रिएक्शन हो जाए। तो क्या हो गया, द थ्री डिग्री अमीन ड्यू टू द लैक ऑफ हाइड्रोजन ओवर नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, हेंस द हिंसबर्ग रिएजेंट कैन यूज एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन 1 degree, 2 degree and 3 degree। ओके, आई होप समझ में आ गया। वो क्या करना होता है, जब आप हिंसबर्ग टेस्ट कराते हो प्राइमरी के साथ तो आपको क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है जो कि एसिडिक होता है। जब आप इसको बेस में डालते हो तो वो डिजॉल्व हो जाता है। तो ये आपको क्या श्योरिटी देता है कि ये एक 1 degree अमीन है। ओके, 2 degree में क्या होता है, 2 degree में जब आप हिंसबर्ग जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है उसको डालते हो 2 degree अमीन में तो आपको एक कंपाउंड मिलता है N-डायलकाइलबेंजीनसल्फोनामाइड जो कि एसिडिक नहीं होता है। जब आप उसको बेस में डालते हो तो वो क्या हो जाता है, PPT हो जाता है। ये हो गया आपकी 2 degree। और जो 3 degree है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसी वजह से क्या होता है, नो रिएक्शन विद हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये था हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। इस पे क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही मिलता है कि आपको एक 1 degree, 2 degree और 3 degree अमाइन दे देता है जिसको आपको रिएक्शंस करके दिखानी। देखिए ये तो जनरल मैंने आपको पढ़ा दिया है, टॉपिक समझाने में टाइम नहीं लगता है। जब आप सिर्फ क्वेश्चन सीरीज करेंगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आपने ये पढ़ लिया, आप जब क्वेश्चंस करेंगे आपसे आराम से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, नमस्ते।